हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक हेयर पैक शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बाउल में दही लिया है और ये आमंड ऑयल लेंगे हम। 100% प्योर आमंड ऑयल है, इसकी जगह आप जैतून का ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ ये फेस एलोवेरा जेल है, टमाटर जूस और शहद लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप पतंजलि का ये एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम अब इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी मिलाएंगे। ये विटामिन ई ऑयल है। इन ई ऑयल के यूज़ से हमारे रूखे और बेजान बाल हैं उनमें एक शाइन आएगी और दो मुंह के बालों से हमें छुटकारा मिलेगा, इसीलिए हम इसमें विटामिन ई ऑयल का भी एक कैप्सूल मिला लेंगे। विटामिन ई ऑयल और सारे सामग्री मिलाने के बाद हमें ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही एक नेचुरल कंडीशनर होता है, इसमें प्रोटीन और फैट एसिड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है जो बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दही में कैल्शियम और प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स होता है जो हेल्थ के साथ साथ स्किन और बालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जो हमारे बालों का विकास तेज़ी से करती है। उसके साथ ही टमाटर में विटामिन सी और पोटेशियम की मात्रा होती है, जिससे हम दही के साथ इसको मिलाने से हमारे दो मुंह के बालों और बेजान बालों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही हमने यहाँ दही के साथ में शहद का भी इस्तेमाल किया है जो हमारे बालों को सिल्की और शाइनी बना देता है। पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। आप इसे हफ्ते में दो बार इस्तेमाल कर लगातार अगर आप इसे और हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको डैंड्रफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसे नीचे तक बालों में अच्छी तरह से लगा लेंगे। आप इस पैक को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कीजिए और लगातार इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। अब अच्छे से सारे बालों में लगाने के बाद हम अपने उंगलियों की टिप से 2-3 मिनट तक हल्की मसाज देंगे। हल्के हल्के हाथों से बस उंगलियों की टिप से हमको मसाज करनी है। दो से तीन मिनट तक मसाज करने के बाद हम इस पैक को बालों में ऐसे ही लगा रहने देंगे और 30 मिनट के बाद हम इसे एक साफ़ पानी से धो लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।